आइरू करते हैं खबर क्यों। लखनऊ में पीएनसी कंपनी के अधिकारियों से लेकर डंफरों व चार जेसीबी एवं पांच पोकलैंड के माध्यम से अवैध खनन करते हुए पकड़े गए। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि ग्राम पंचायत की भूमि पर कई दिनों से चल रहा अवैध खनन के चलते ग्रामीणों का रोड पर निकलना दूभर हो गया। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि पंकज गौतम ने पत्रकारों को बताया कि लोनहा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अवैध मिट्टी खनन करने वाले डंपरों को दौड़ाकर पकड़ा गया है, जबकि मौके पर पहुंचे लेखपाल के अधिकारियों अवगत कराने के पश्चात भी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पीएनसी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरोजनी नगर तहसील में सैकड़ों बीघा जमीन ग्राम पंचायतों की भूमि पर अवैध खनन कराकर ग्राम पंचायतों को तालाबों में तब्दील हो चुकी है। एक पीड़ित महिला अपनी बेटी के साथ रोते हुए कहा कि मेरे पति को मारपीट किया गया और जबरदस्ती मेरी जमीन से रातों रात मिट्टी खोद ली गई, मेरा आने जाने वाले रास्ते को भी खोद डाला। उत्तर प्रदेश में चल रही योगी सरकार में बैठे उच्च अधिकारी मनमानी करते नजर आते हैं। रसूखदार लोगों के इशारे पर राजस्व विभाग सरोजनी नगर के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों ने योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस जमीन को इसलिए छुड़वा रहा हूं जो 30-40 बीघे है कि ताकि इसमें चारा की बुवाई हो सके। अच्छा, ठीक है। गौ आश्रय केंद्र यहाँ लोनहा ग्राम पंचायत में बना हुआ है। हाँ, तो उनके लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं। चारे की व्यवस्था से हमेशा गौशाला जूझता रहता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपका अच्छा निर्णय है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये गौ माता है जो सरकार के लिए प्रथम है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बेटा तुम्हारा? मेरा नाम सुभाषनी रावत। कहाँ की रहने वाली हो? गड़ी चुनौती। यहाँ तुम्हारी क्या दिक्कत है? यहाँ ये हमारी जमीन में पद्मावती जो है इस समय हमारे गांव के प्रधान है। ठीक है, गड़ी चुनौती की। अच्छा। और चला रहे हैं रितेश जो बदंगी करके हमारे तालाब खुदवा रहे हैं हमारी जमीन में। अच्छा, हमारा रास्ता है। लेकिन ये जमीन जो है आपकी गड़ी चुनौती में आती है कि लोनहा में आती है? लोनहा में आती है। तो आपकी जमीन लोनहा में है और रितेश जो है गड़ी चुनौती के प्रधान खुदवा रहे हैं? जबरदस्ती खुदवा रहे हैं हमारी जमीन। कितनी जमीन आपकी खुदवा डाली? हमारी जमीन वहाँ से वहाँ तक पूरी खुदवा दिया हमारी जमीन जे। हमारी रास्ता खुदवा दिया इन्होंने। आपकी जानकारी में नहीं है बताया गया कि आपकी जो है जमीन? कोई जानकारी नहीं दिया है, लोग अपनी मर्जी से जब मना किया गया तो मारने की धमकी दे रहे हैं। जबरदस्ती हमारी नकड़ी खुदवाया है इन लोगों ने। अच्छा, और हमारे पापा को मारने दौड़े। पापा को मारने के लिए भी दौड़े? अकेले रहा है। हमारे बाबा को भी मारा, 40 साल पहले की बात है। हमारे बाबा को इसी जमीन में मार दिया, राम गोपाल ने मारा। तो जो रितेश प्रधान जो तुम्हारे गड़ी चुनौती के हैं वो लोना ग्राम पंचायत में वो कैसे खुदवा सकते हैं? खुदवा रहे हैं, जबरदस्ती करके खुदवा रहे हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, जो मिट्टी खोदने वाले लोग जो कहाँ के हैं? ये लोग पीएनसी वाले हैं? हमको नहीं पता, इनको हम नहीं जानते हैं साहब लोग। जो पीएनसी के हैं कौन लोग हैं खोद रहे हैं? नमस्ते, आप लोग कहाँ से हैं? प्रधान जी ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार गौतम। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, ग्राम प्रधान मेरी माता जी हैं। अच्छा, आप लोनहा ग्राम पंचायत के? जी, मैं लोनहा ग्राम पंचायत का हूँ, तभी मैंने इसको रुकवाया है यहाँ पे आके। हाँ। यहाँ पे हमारी जमीन भी 777 में करीब 25 से 30 बीघा जमीन है मेरी। ठीक है, 25 से 30 बीघे जमीन है मेरी। जमीन जब तक ग्राम पंचायत की नहीं छूट जाएगी तब तक यहाँ 1 इंच अब माटी नहीं खुदाई होगी। नहीं तो जो अभी खुदाई हुई है इसकी कोई इन्होंने अधिकारियों ने परमिशन दिया कि अवैध परमिशन है या नहीं है उससे हमसे नहीं मतलब है। हमको हमारी जमीन चाहिए जो हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है जी। हाँ, तो इसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया? शासन के अधिकारियों से बात हुई? आज मेरी डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप तत्काल प्रभाव से इसको रुकवाइए। अच्छा अच्छा, तब मैं अपने आनंद फानन अपने सिस्टम के साथ आया हूँ, गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं। अच्छा, और अच्छा, उनको देख लीजिए, वो गाड़ी उधर दिखाइए, वो गाड़ी खड़ी हुई है ऑलरेडी, हमने गाड़ी खड़ी करा रखी है। अच्छा अच्छा, ये सारी मशीनें यहीं पर चल रही थी? सब ये सारी मशीनें यहीं पर चल रही थी। यहाँ इन्होंने लगभग आपकी ग्राम पंचायत की कितनी जमीन मिट्टी खोद दी? कम इन्होंने मिट्टी कम से कम 2-4 करोड़ रुपए की मिट्टी हमको लगता है बेच दी है। अच्छा, हाँ, और ये जो है इनका पट्टा जो है मुझको लगता है करीब 70 बीघा या 70 बीघे से ऊपर होगा बस। अच्छा, हाँ, तो डीएम साहब का मतलब मैंने बताया है कि उन्होंने कहा है आप अपनी जमीन जितनी है छुड़वा लीजिए, उसके बाद में अगर ये चाहते हैं रितेश भाई कि अपना खुदवाएं तो ये खुदवा सकते हैं। हमको कोई एलर्जी नहीं इनसे। अच्छा अच्छा, हाँ, इनके जितने पट्टे की जमीन है ये खुदवा सकते हैं। तो ये बताइए जो अभी यहाँ पे इतना बड़ा मामला चल रहा है इसमें आपके ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।